दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, आ गए एक और न्यू व्लॉग में। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे HDMI व्लॉग। आज हम लोग, यार मैं आज सुबह से बहुत ज्यादा ही बिजी हो गया था कि ना यार मेरे स्कूल का कल मेरे को असाइनमेंट जमा करना है नवंबर का, और सब एकदम हड़बड़ी में हो रहा है क्योंकि भाई बहुत सारा मेरे को कॉल आया था स्कूल की तरफ से। शायद मैं उस टाइम कहीं और गया था, शायद मैं छठ पूजा गया था शायद, तो ना मैं नवंबर का असाइनमेंट नहीं जमा कर पाया था। बिजी हो गया था थोड़ा आज सुबह से, और अभी शाम को व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। सोचो शाम को, क्योंकि यार मैंने सोचा अब यार आप क्या बनाया जाए, तो मैं क्यों ना मैंने सोचा मैं और मेरा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड, आज तो मैं आपको उससे भी मिला दूंगा, और हम दोनों जाएंगे थोड़ा घूमने गाड़ी में, और आपको थोड़ा माहौल दिखाएंगे और कुछ सुंदर सुंदर व्यू दिखाने वाले। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक कर देना, और बेल आइकन भी मत भूलिएगा, जिससे हमारी न्यू लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो यार गाइस, अभी मेरा दोस्त आ चुका है और हम लोग बस अपना असाइनमेंट लिख रहे हैं यहाँ पे। ये देखो कुछ ऐसा टाइप का हमारा सेटअप है, हमने लैपटॉप ऑन कर लिया है, और ये हमारा पेज है, ये निकालेगा अभी। यही है मेरा बेस्ट फ्रेंड आकाश, जिसके बारे में मैं बता रहा था आपको, कई बार बताया। हम लोग एक वीडियो हम लोग एक साथ बनाए थे, किसमें, बाल मेला वाले में, बहुत मजा आया था उसमें। कितना व्यू गया था, 100 कुछ गया हमारा उसमें व्यू। बाल मेला वाले में हाँ बढ़िया था वो वाला वीडियो, देखा नहीं अभी तक किसी ने, तो जाके फटाफट से देख लेना, ठीक है। तो गाइस फिलहाल अभी हमारा असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया, और अब हम लोग जा रहे हैं घूमने। निकलता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो यार गाइस अभी हम लोग घूम रहे रोड में, और बहुत ही मजा आ रहा है। हम दोनों एक्टिवा मिल गई, पापा भी हमें परमिशन दे दिया, हाँ बेटा जाओ एकदम बढ़िया से। तो अभी हम लोग घूम रहे हैं और मजा आ रहा है एकदम। और सामने का एक बार व्यू दिखा देता हूँ, आज का मौसम का भी व्यू दिखा दूं मैं आपको। आज का मौसम तो देखो यार गाइस, क्या ही जबरदस्त मौसम हो रहा है, पूरा ही बादल ही बादल। और ये देखो गाड़ी हमारी चल रही है करीब 20 की स्पीड में, बहुत ही आराम से हम लोग इस मौसम के हिसाब से गाड़ी अपनी चला रहे हैं, और मजा भी आ रहा है हमें अपनी गाड़ी को चलाते हुए। प्यारी प्यारी गाड़ी यार, स्कूल, हाँ ये हमारा स्कूल है, नहीं दिखाऊंगा, नाम नहीं बता सकता, वरना आप सब पहुंच जाओगे मेरे से मिलने है ना भाई। तो भाई पहुंच जाते यार सब्सक्राइबर्स लोग, तो गाइस हाँ भीड़ भी बढ़ जाएगा सर, फिर बोलेंगे ए यूट्यूबर पढ़ते यार इस स्कूल में। तो अपन अभी पहुंच चुके हैं अग्रसेन चौक तरफ, और ये सामने हमारे हैं अग्रसेन चौक, जो कि अभी बंद है क्योंकि आज का डे है संडे। तो मैंने आपको जैसे कि बोला था यार, संडे हमारा हमेशा स्पेशल वीडियो रहता है, पर इस संडे हम लोग घूमने नहीं जा पाए बाहर, तो लेकिन फिर भी हम लोग घूम रहे हैं थोड़ा अपने में ही। मैंने गाड़ी तो ले ली, और स्पीड भी हमारी बहुत स्लो है, पापा भी नहीं डांटेंगे मुझे, अच्छी बात है। और मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ अभी, जो कि बहुत ही ज्यादा अभी न्यूज में चल रही है। जैसे कि आप मेरे सामने देख पा रहे हो, ये है अग्रसेन चौक, और अग्रसेन चौक में आप जो काम कर पा रहे हो, ये काम जो हो रहा है, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि न्यूज में आज दिखा रहा था कि अग्रसेन चौक में जो गड्ढे में काम चल रहा है, उसमें आज सुबह ही एक आंटी इस गड्ढे के अंदर घुस गई थी, और उनके पैर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी हो गया है, और पूरा ही उनके पैर में बहुत ज्यादा चोट भी आई है, और हॉस्पिटल लेके जाया गया, और पैर में क्या है, अंदर लोहा था, पाइप पाइप की काम चल रहा था, तो पूरा लोहा उनके पैर में घुस गया। फिर उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, तब वो थोड़ा ठीक है। अभी ये चीज आज न्यूज में दिखा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको जानकारी दे दूं एक बार। यार हम लोग अभी बस घूम ही रहे थे, और पता नहीं अचानक से एकदम अभी हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया पूरा, और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है। पर यार क्या करें अब अपन, मैं पापा को कॉल भी नहीं लगा सकता, मेरे को डांटेंगे। और यार बस अपन घूम ही रहे थे, और पता नहीं अचानक से हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, पता नहीं यार चालू भी नहीं हो रही, स्टार्ट भी नहीं हो रही, अब क्या करें हम लोग। गाड़ी को चेक कर रहे हैं, नहीं तो फिर हमको धक्का मार के ही ले जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप तक, के कोई फायदा नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। तो यार ये तो चेक कर रहे हैं, पता नहीं इससे हो भी नहीं रही गाड़ी स्टार्ट, पता नहीं यार, पापा तो वीडियो देखेंगे तो भले पता चल जाएगा उनको। पेट्रोल दिख रहा है कि नहीं, नहीं भाई अंदर नहीं है पेट्रोल, नहीं है पेट्रोल भी खत्म हो गया यार। अब अपन क्या कर सकते हैं यार, अभी अपन पूरे सुनसान रोड में, और बस यार गाड़ी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बहुत बढ़िया हवा भी चल रही है, और मौसम भी बहुत अच्छा है, इसी बीच पे हमारा पेट्रोल खत्म हो गया। आए थे हम लोग यहाँ घूमने के बहाने से, और पूरा पेट्रोल की ऐसी की तैसी कर दिया हमने। पापा भी बोलेंगे साला सुबह ही भरवाता हूँ, ये बेटा साला मेरे पैसे पे मौज कर रहे हैं, अब क्या करें हम लोग, धक्का मारना पड़ेगा यार, फिर हमको क्या भाई धक्का मार के ले जाना पड़ेगा। चलो फिर पकड़ बे, धक्का कौन मारेगा,
तू मारेगा, तू धक्का मारना पड़ेगा अब अपन को, और क्या कर सकते, धक्का ही मारना पड़ेगा हम लोग। हैंडल मैं सब, तू संभालेगा। एक दो मिनट में वक्त बदल दियो, जज्बात बदल। अच्छा ले, खुद ही ला रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं घर पहुंचता हूँ, तू घर को ना, तू गाड़ी को घर में पहुंचा देना। किसकी है भाई, तेरी है, तेरी है यार। चाबी भी लगी है, पापा मेरे को डांटेंगे। चल चल फिर ले चलते इसको, अब घुमाना ही पड़ेगा गाड़ी को थोड़ा। गाड़ी भी आज बहुत धोखा दे दी यार ये, इन वक्त पे यहाँ पे रेड भी देखो यार, साले मार रहे गाड़ी को मेरी। यहाँ पे देखो यार, ये रेड वाला जो काटा है ये पूरा रेड पे चला गया है, पूरा रेड पे इस पार हो गया। मीटर चालू है भाई, पूरा नई गाड़ी है यार, इसी में इसी साल की गाड़ी है, ये लॉन्च हुई है, नई नई करोड़ों में खरीदे। तो यार पूरा जीरो करोड़, 0.0 भाई करोड़ लगा दिया ना, मतलब बहुत है करोड़ भी, 0.00 करोड़। जीरो के सामने एक वन लगा दे, 1.00 करोड़। तो यार अब धक्का मारना यार, टाइम कितना है हमारे पास, अगर टाइम बचा होगा। हाँ टाइम तो बहुत है, टाइम तो बहुत है, धीरे धीरे जाएंगे अब अपन, मस्ती करते हुए जाएंगे ना, है। चले चल गाड़ी निकाल, पहले स्टार्ट करके देखूँ यार, पकड़ तो। फिर भी हम लोग एक बार ट्राई करेंगे इसको स्टार्ट करने का, थोड़ा और समय देखता हूँ। ये देखो यार, ये बंद नहीं जा रही, चालू नहीं हो रही। मैं एक्सीलेटर पूरा देने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो पता नहीं यार क्या हो गया, चालू ही नहीं हो रही है यार, मैं क्या करूँ अब। मेरे को लगा था चालू हो जाएगी, थोड़ा तो पेट्रोल रहता ही है गाइस, पर शायद हम लोग ना गाड़ी को यहाँ पे खड़ा कर दिए, और अब इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं हो रहा है ढंग से बना। पैसा भले है, 50 रुपए करीब होगा, मम्मी दी थी, खरीद लेंगे पेट्रोल का डब्बा, खरीदेंगे। अबे इसको लेके जाना पड़ेगा, धक्का मारते हुए गाड़ी में डालना पड़ेगा, छोड़ के जाऊंगा ना, अगर ये पापा मेरे पापा देख लिए ना वीडियो तो फिर हो जाएगा। चल चले फिर अपन धक्का मारते हुए। अरे फिर से तू कैमरा लेके पकड़ लेते यार, मैं क्या करूँ, धक्का मेरे मजा आ रहा है बेटा, मेरे को वीडियो बनाने इसका मतलब ये नहीं कि तू धक्का नहीं मारेगा। हाँ यार तू धक्का दे, थोड़ा तो धक्का मार यार भाई, बहुत से काम कराएगा, पीछे से हाथ रखना इसमें। चल ठीक है समझा, पीछे से तो दे दे ब्रो, धक्का यार। चल चल हमारे सामने सारी जगह, और हम लोग जगवार में घूम रहे हैं, और हम लोग गरीब आदमी है यार, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, हमारे पास यही एक्टिवा एक और, इसका कोई फायदा नहीं है। इतने देर से हम लोग धक्का मार रहे और अभी तक पहुंचे भी नहीं। आप ये देखो, मैंने तो कर लेता पेट्रोल आने से पहले, पेट्रोल आने से पहले। अरे यार मैं चेक किया था कसम से यार, पता नहीं शायद जो थोड़ा सा बहुत रहता है ना वो, हम लोग गाड़ी को खड़ा कर दिए थे कुछ देर के लिए और पार्क में थोड़ा गए थे, तो उस वजह से शायद ना गाड़ी में ना पेट्रोल खत्म हो गया। हल्की ना मेरी गाड़ी, इससे ज्यादा भारी मेरी 125 है, और फिर ना यही पेट्रोल खत्म हो गया। अब बस हम लोग यार बहुत दूर जाना है, काफी देर से हम लोग धक्का दे रहे, इतने देर से घूम रहे साला पेट्रोल पंप, क्या कर रहे यार, निकालना, अटक गई क्या, फटक गई क्या, यहाँ गड्ढा है, धक्का दू क्या भाई, देखो धक्का दे। तो यहीं पे ले जाना था, देखो धक्का, अबे 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 चढ़ गई भाई, चढ़ गई, बड़ी मेहनत, वहाँ इतना बड़ा गड्ढा है वहाँ पे यार, हम लोग अटक गए थे। करीब हम लोगों ने अपना शिफ्ट करीब 2 बार चेंज किया, और ला मैं धक्का देता हूँ, ये बहुत देर से धक्का दे रहे हैं, ले ग्लूकोज लाएगा तू, है ग्लूकोज पिलाऊंगा, एनर्जी खत्म हो गया क्या तुम्हें, चल धक्का मार आजा, बस 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 आए, बैठे बैठे धक्का मार रहे यार, ऐसे ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि यार हम लोग, मैं ना गाड़ी से निकल रहा हूँ और मेरा जो ये पेट्रोल है वो खत्म हो गया, अब बस ज्यादा दूर नहीं यहाँ से पेट्रोल पंप, हमारा पेट्रोल पंप बहुत पास है, एक बार दिखा दे, पेट्रोल पंप आ चुका है, हमारा पेट्रोल पंप आ गया, और धक्का देते हुए मैं पहुंच चुका हूँ अभी पेट्रोल भरवाने के लिए। सारा पेट्रोल पंप में भी इतनी भीड़ दिख रही है, धक्का मार, धक्का देगा है नहीं है, चल मैं धक्का देता हूँ यार, कैसे करते हैं, कहाँ लगाएंगे, उधर लगाएंगे, यहाँ से पेट्रोल खत्म हो गया। गाइस इस तरफ जो है थोड़ा भीड़ कम है, अब बस गाड़ी को आगे लेके चलते हैं और अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, धक्का दे यार, बस अपनी लाइन आ गई, अपनी बारी,
ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सारा इतना देर से हम लोग धक्का देते हुए घूम रहे हैं। गाड़ी आई नहीं, पहले ही पेट्रोल टंकी खोल दिया। चल हो गया, ला आगे ला तू धक्का दे। इतनी मेहनत, हाय हाय, हमने 50 का पेट्रोल डलवा लिया है, अब गाड़ी हमारी चालू हो जाएगी, धीरे से अपन स्टार्ट मारेंगे। पेट्रोल का कांटा उधर हमारा चढ़ रहा है। हाँ भैया, आप अपना नाम भी बता दो। पेट्रोल भरने वाले भैया हमारे ये हैं, नाम बता दो एक बार, आप बता दो अपना नाम। अशोक कुमार। पैसा 50 रुपए का डलवाया हमने पेट्रोल। गाड़ी खींच के यहाँ आ गया और मैं वहाँ वेट कर रहा हूँ, कहाँ साले भग गया। चल अबे रुक जा बे, गिर जाऊंगा मेरे भाई, आधा बैठा हूँ मैं, आराम से। देखो आती तो है ना चलाने पहले, ये बता आती तो है ना। बढ़िया से हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और हमारा पेट्रोल भी भर चुका है, अब सही चल रही है एकदम। आते समय मैं चलाया था, अभी मैंने इसको बहुत ज्यादा ही धक्का दिलवा दिया, तो ये इसने मेरे से डील किया था कि यार जाते समय मैं चलाऊंगा। देखो हमारा भाई गाड़ी चला रहा है अब जाते समय। अब हमारी गाड़ी का कांटा भी एकदम उठ गया है सही से। 50 रुपए में ज्यादा नहीं उठेगा, पर घर जाने का पेट्रोल हो गया हमारे पास, बाकी पैसा पापा देंगे अपना। तो यार आज का मौसम भी बहुत बढ़िया है। हम लोग पार्क में आए थे पर कोरोना बढ़ गया, इसलिए यहाँ पे पार्क को बंद कर दिया गया है। देखो पूरा डंडा वंडा लगा के, इधर भी देखो पूरा बांस वास लगा दिए, ऊपर से भी कोई नहीं जा सकता, तो अब तो हमारा अंदर जाना नामुमकिन है। अब बस हमें बहुत घूम भी लिए, थक भी गए, अब मैं सोच रहा हूँ घर चलते यार। चलो फिर गाइस घर के लिए निकलते हैं हम लोग। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं उरला और अब बारी है इसको बाय बाय करने की। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं, क्योंकि ना पहली बार, ये मेरे लाइफ का पहला टाइम है जिसमें मेरे मम्मी पापा ने मुझे फ्री छोड़ा गाड़ी में अकेले, और इतने देर के लिए मैं घर से बाहर रहा हूं, वो भी गाड़ी के साथ। और इसके साथ इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है और गाड़ी को भी, पर पापा ने मम्मी ने मुझे इतना छूट दिया और मैं घूम भी लिया, मज़ा आ गया मेरे को। तो धन्यवाद मम्मी पापा को, अगर वो वीडियो देखते हैं तो, देखते ही हैं, मेरा हर वीडियो देखते हैं, तो थैंक यू गाइस। अभी मैं जा रहा हूँ, इसको छोड़ता हूँ और घर जा रहा हूँ। बाय बाय। इसका घर यहीं पास में, अगर नहीं दिखा सकता मैं तेरा घर नहीं दिखा सकता ना, वरना पहुँच जाएंगे सब के सब पहुँच जाओगे आप लोग। गाइस गाइस यार अभी मैं पहुँच चुका हूँ घर, और आते मानी मुझे इतना ज़्यादा भूख लगा कि मैंने मम्मी को सीधा बोला, मम्मी कुछ दे दो यार खाने को। तो मम्मी ने मेरे लिए ला दिया ये बिस्किट जो मैंने ले लिया है थोड़ा सा, और ये बर्बन्स लाए थे हम लोग डीमार्ट से जो लाए थे, और ये सोया स्टिक है, सबको पसंद होगा ये, आपको भी पसंद होगा। या क्या है ना मम्मी, आपको पता है हम लोग गए थे, अब पेट्रोल खत्म हो गया, फिर धक्का मारते हुए हम लोग था पेट्रोल पंप, जो ये अपना वहां वाला है ना बाजार तरफ वाला। नहीं पैसा रखा था ना, 50 रुपए था मेरे पास, जो 200 रुपए था तो उसमें से 200 रुपए का कुछ और खरीदना था, जो आप मेरे को असाइनमेंट खरीदने दी थी, असाइनमेंट प्रैक्टिकल कॉपी लेने गया था ना, तो उसका मम्मी का पैसा बचा था, तो मैं थोड़ा सा अच्छा हुआ कि बचा था, नहीं तो सोच तू क्या करता, पूरे घर तक धक्का मारता। अच्छा हुआ पेट्रोल तक की घर धक्का मारा, लेकिन अगर वहां से हम लोग आते तो घर तक के धक्का मारना पड़ता साला, नहीं तो हम लोग बिना सोचे समझे दूर तक के चले गए थे और थक गए। पापा को अभी नहीं पता है, पापा को आऊंगा, पापा आएंगे तब बताऊंगा उनको। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम लोग एंड करने वाले हैं चाय के साथ। रात का करीब 11 बज रहा है और हम लोग पी रहे हैं चाय, क्योंकि यार अपन की आदत है कभी कभी हम लोग रात को ही सुर चढ़ जाता है नशा चाय पीने का, और फिर अपन पीते हैं चाय और कुछ पिक्चर देखते हुए, जब कुछ अच्छी पिक्चर आ जाती है तो बस चाय पी रहे हम लोग, मजा आ रहा है। तू कुछ पी क्यों नहीं रही है? गरम है ले मेरा पी ले, ये ठंडा है, मैंने इसको फूंक फूंक के ठंडा कर दिया। मैं क्या बोल रहा था, आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करने जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए हमें प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल पे नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दो लाइक, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नोटिफिकेशन वीडियो की आप तक के पहुंच जाए। गुड बाय।